जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ लेवल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर, हम आज इस टॉपिक पर करने वाले हैं डिस्कशन। बट उसके पहले, अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से रेड कलर का लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में होगा बेल आइकन, उसको भी ध्यान से प्रेस कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसके पहले हमने स्टेजेस और फेजेस ऑफ टीचिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको प्लेलिस्ट से जाकर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। तो आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे लेवल्स। अगर आप बीएड एग्ज़ाम दे रहे हैं, एमजीकेवीपी से हैं या पूर्वांचल से हैं, तो ये आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो क्वेश्चन में एक साल ज़रूर पूछता है, या तो फेजेस या तो लेवल्स, दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन होता है। और बहुत बार लर्नर्स ने ये गलती की है कि हमें फेजेस पूछता है तो हम लेवल्स लिख के आते हैं, लेवल पूछता है तो फेजेस। तो ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे कि हम गलती ना करें। इसके साथ ही वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए और समझिए। लास्ट में मैं आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार से प्रॉपर करें, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हमें कैसे इंट्रोडक्शन देना है, कैसे उसको लिखना है कि हमारे मार्क्स सबसे अच्छे आए, इसके ऊपर भी मैं लास्ट में वीडियो का डिस्कशन करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग? तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे, डेफिनेशन आप लिखेंगे सबसे पहले किसकी, टीचिंग की। तो टीचिंग क्या होती है, कम से कम दो डेफिनेशन, मिनिमम टू डेफिनेशन आप टीचिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसकी डेफिनेशन सबसे पहले एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का यंत्र है, विच फंक्शंस इज टू इम्पार्ट नॉलेज, ठीक, और इन्फॉर्मेशन, जिसका काम क्या है, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, ज्ञान को पहुंचाना, ठीक। या तो अगर आप कह सकते हैं दूसरा कि टीचिंग इज़ अ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनालिटी टू द लेस मैच्योर वंस। यहाँ पे मोर मैच्योर पर्सनालिटी किसको कहा गया है, एक टीचर को, और लेस मैच्योर किसको कहा गया है, स्टूडेंट को। इसके बाद देखिए, जब आप टीचिंग करते हैं तो वहाँ दो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, एक ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है, और वो भी कैसे उद्देश्य होने चाहिए, स्पष्ट उद्देश्य, बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्टिव। आप जिस कक्षा के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस क्लास का, उस टॉपिक का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको टीचर को पता होना चाहिए। और दूसरा सब्जेक्ट मैटर, ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है जब आप टीचिंग कराने जाते हैं, टीचिंग करते हैं। अब हमने जिस लेवल्स की बात की, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बता दूँ कि जब हमने फेजेस और स्टेजेस को पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो फेज़ हैं। तो तीन लेवल्स भी होते हैं और तीन आपके स्टेजेस कहिए या फेजेस कहिए, चरण कहिए या फिर स्तर कहिए, ठीक है, ये होते हैं। तो अगर मैं फेजेस या स्टेजेस की बात करूँ तो वो कौन से होते हैं, प्री एक्टिव स्टेज, ठीक, इंटरएक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। वहीं अगर हम लेवल्स स्तर की बात करें तो स्तर में क्या आएगा हमारा, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मृति स्तर और आपका बोध स्तर, और लास्ट आपका क्या होगा, चिंतन स्तर, क्लियर। देने वाले कौन है, मॉरिस एल विग्गी, ये नाम याद कर लीजिए, मॉरिस एल विग्गी ने तीन प्रकार के लेवल्स ऑफ टीचिंग को दिया, कौन कौन से हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। पहले तो इन तीनों का नाम एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक, जैसे आपका है मॉरिस एल विग्गी, तो ये भी एम से स्टार्ट है और ये भी एम से है, ठीक, एम यू आर से आप याद कर सकते हैं, ये आपका लेवल है। एम यू आर क्या है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो एम यू आर क्या है, गिवन बाय मॉरिस एल विग्गी, और ये क्या है, लेवल्स हैं, क्या है आपके, लेवल्स हैं। तो ये निमोनिक आप बना सकते हैं अगर पेपर में आपको कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि लॉन्ग आंसर में भी ये पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए भी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए और अच्छे से याद करिए, ताकि आपके मार्क्स जो है वो सिक्योर है, गलत करके ना आए। तो आइए अब हम पहला देखते हैं, टीचिंग ऑफ मेमोरी लेवल। देखिए, जब कभी आपसे पेपर में लॉन्ग पूछेगा तो या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ सकता है, या फिर किस तरीके से आप, पहले तो आपसे यही सिंपल पूछेगा मेमोरी लेवल होता क्या है, उसके बाद हम उसको किस प्रकार से और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं, या फिर उस लेवल की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो उसके लिए आपको तीनों लेवल के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे किसको देखने वाले हैं, टीचिंग ऑफ मेमोरी लेवल। तो सबसे पहले ये जानिए कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी वो होता है, एक तरीके से पावर होती है, जिसकी मदद से हम पीछे द्वारा किए गए किसी भी कार्य को क्या कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं, लर्न कर पाते हैं, देख पाते हैं, देख क्या मतलब समझ पाते हैं, ठीक।
यहाँ पे कुछ तत्वों की बात की गई है, एलिमेंट्स की बात की गई है, जो एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मेमोरी जो है किसी चीज़ को करते हैं मेमोरी के द्वारा, तो वो कौन कौन सी है? लर्निंग। हम मेमोरी में वही चीज़ों को समझ पाते हैं, जान पाते हैं जो हमने लर्न की होती है। आप किसी चीज़ को रटते हैं, जब आपसे कहीं और पूछा जाता है तो आप कैसे बताते हैं? लर्निंग के बेसिस पे ही। रिटेंशन, वो चीज़ जो आपने लर्न की है वो क्या है? आपने धारण करी, रिटेन करी, उस चीज़ को वापस से क्या किया है? रिकॉल कर रहे हैं। तो ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। लर्निंग हो गया, रिटेंशन हो गया, रिकॉल हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रिकॉग्निशन, उस चीज़ को पहचान लिया कि अरे ये तो मैंने कहीं इसको पढ़ा था, इस आदमी को मैंने कहीं देखा था। तो ये आप कैसे बता पाते हैं? अपने मेमोरी के बेस पे बता पाते हैं। बट उस मेमोरी में ये एलिमेंट्स होते हैं जो आपकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाएंगे, साथ ही साथ इसके एलिमेंट्स हैं तो बहुत ही आंसर आपका क्या होगा? अच्छा बनेगा। ठीक, अब हम देखते हैं यहां पे लर्निंग की जब हमने बात करी, तो यहां पे जो ये आपका स्टेज है मेमोरी लेवल, तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, सिंपल जिस्ट में अगर आपको समझना है, तो ये वो स्टेज है जो थॉटलेस होता है, जहां बच्चे के पास कोई अपना तर्क लॉजिक नहीं होता है। ठीक, वो थॉटलेस विचारहीन है, उसको आप सिर्फ क्या करवा रहे? रटवा रहे। आप उसको जो चीज़ बता दिए वो चीज़ याद कर ले रहा है, अपना उसने कुछ भी बुद्धि या वो नहीं लगाया। मतलब इस स्टेज में इंटेलिजेंस की कोई जगह नहीं होती है, क्वेश्चंस की कोई जगह नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे से पूछेंगे क्वेश्चन तो वो उसका आंसर अपने से बताएगा, नहीं, वो उन्हीं चीज़ों को सिर्फ बता सकता है जो उसने रटी हुई है। इसी कारण से इस स्टेज को हम क्रैमिंग स्टेज या रोट मेमोराइजेशन स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्टेज को हम? क्रैमिंग, जिसको रट्टा मार कहते हैं ना, क्रैमिंग स्टेज या फिर रोटिंग की स्टेज, रोट की स्टेज। ठीक है, इसको कहते हैं हम मेमोरी लेवल को। क्लियर, इस स्टेज पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे साइन लर्निंग कराई जाती है। साइन लर्निंग का मतलब क्या है? प्रीवियस नॉलेज को ऐड करके बच्चा सीखता है। जैसे कि बच्चे ने एडिशन करना सीखा तो अब वो एडिशन का यूज़ वो आगे भी करेगा। जैसे अगर बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो पहले उसको पैडल को भी मारना है, साथ में हैंडल को भी कंट्रोल करना है, ब्रेक को भी मारना है, तो वो पीछे पहले एक एक चीज़ों को सीखता है, गिरता है तो फिर उसको याद रहता है कि अच्छा ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जो करते हैं वो आपका क्या है? साइन लर्निंग। जब हम चेन लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चे को पहले अलग अलग स्टेप्स बताए जाते हैं, फिर उन्हीं स्टेप्स को जोड़ करके वो पूरा एक प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए हैंड वॉश करना है, तो बच्चों को बराबर बताया जाता है कि सबसे पहले आपको अपने हाथों को वेट करना है, फिर आपको क्या लेना है? सोप लेना है या जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं, फिर उसको रब करना है, हाथों को अच्छे से जो है रब करना है, उसके बाद आपको नल जो है खोल करके वॉश करना है। और बच्चे इस चीज़ को रिपीट करते हुए सीखते हैं, और ये कैसे सीखते हैं? देख देख कर। ठीक, तीसरा है SR लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। क्लियर, कि जो स्टिमुलस है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स वो देखते हैं, ठीक, जो करते हैं, जो उनको रटाया जाता है वही चीज़। मतलब इसमें अपनी उनकी कोई बुद्धि ज्ञान नहीं लगता है, सिर्फ उनको रटाया जाता है। तो इसका एग्जांपल, जैसे बच्चे को पहाड़ा याद कराया जाता है, दू एकम दू दू दूनी चार, तो बच्चा बस वही जानता है कि 2 1 2 2 2 4 बस। अब इसके बाद आप पूछेंगे 2 2 4 कैसे हो गया, या फिर अगर उसको बताया गया कोई चीज़ याद कराया जाए कि देखो क्रो मतलब ये होता है, अगर उसकी टीचर ने उसको गलत भी बताया तो वो वही चीज़ को करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ रट ली है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि उसका मतलब क्या होता है। ये वो स्टेज है बच्चे की। अब यहाँ पे एक मॉडल भी दिया था, जो किसने दिया था? हर्बर्ट मॉडल जो दिया गया था। अगर इनकेस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को पूछे तो आप ये मॉडल बता सकते हैं। डिफरेंस करने को भी आता है पेपर में, कि आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल में डिफरेंस करिए, तो वहाँ ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप मॉडल की बात करते हैं। तो मेमोरी लेवल का मॉडल किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। तो इनके ये चार पॉइंट हैं, चारों पॉइंट आगे भी आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो आप यहीं से इसको देखिए। पहला क्या है? फोकस। अंदर आप सिर्फ समझे रहिए, सिर्फ पॉइंट अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम में आप इजीली लिखकर अपने आंसर को बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छा और दूसरों से हटकर बना सकते हैं। फोकस, हर्बर्ट द्वारा दिया गया पहला क्या है? फोकस, जो उद्देश्य है कि आपको जो चीज़ पढ़ानी है उस चीज़ का क्या उद्देश्य है, आपको टीचर को एज अ टीचर पता होना चाहिए। सिंटेक्स, संरचना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने ऑब्जेक्टिव्स को लिखा हुआ है, जो उसके व्यवहारिक उद्देश्य हैं, उनको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सोशल,
सिस्टम, सामाजिक प्रक्रिया। यहाँ पे भाई दो लोग होते हैं सामाजिक प्रक्रिया में, इस साइड होते हैं टीचर, इस साइड होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है, जो पैसिव लर्नर होते हैं, पैसिव जो कि बस लिसनिंग लिसनर होते हैं, और टीचर जो है वो एक्टिव रोल प्ले करता है, बच्चे को बताते हैं सारी चीज़ें, अनुशासन में रख करके उस चीज़ को पढ़ाते हैं, जिसको रटो बस रटो, ठीक। सपोर्ट सिस्टम या इवेल्युएशन, अब बच्चे ने कितना याद कर पाया, बच्चों को कितना याद हुआ, इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे टेस्ट, ओरल टेस्ट भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। एग्जाम्पल में से हम पोयम याद करवाते हैं बच्चे को, ठीक, कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बस बच्चा याद कर लेता है, क्लियर। अब हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, ठीक, इफेक्टिव बना कैसे सकते हैं, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तब भी ये दोनों आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपने समझा है तो, ठीक। देखिए इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहला इसमें क्या होता है, रिपीटेशन। आप बार बार पुनरावृत्ति कराइए, बच्चे को बार बार वो चीज़ क्या करिए, रिपीट करवाइए एक निश्चित समय अंतराल पे। सार्थक पाठ्यक्रम, ऐसा देखा गया है कि जो थोड़े वर्ड्स मिलते जुलते हैं, जो सलाइबल होते हैं, अगर वो जैसे बच्चे के बोलने में आसान होते हैं तो बच्चा उनको जल्दी से पकड़ लेते हैं। जैसे राइमिंग जो होती हैं, कि पोएट्री में आप देखे होंगे कि राइमिंग होती है एक के बाद लास्ट वाला थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है। वहीं जो नॉन सलाइबल होते हैं, निरर्थक जो शब्द होते हैं, उनको बच्चे को याद करने में मुश्किल आती है। फिक्स्ड स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, बच्चे को आप निश्चित समय अंतराल पे क्या करते रहे, पुनर्बलित करते रहिए। अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रॉपर प्रैक्टिस कराइए बच्चे को उस चीज़ का जो आप करा रहे हैं। थकावट, अगर बच्चे को थकावट है, वो खेल के आया है, तब आप उसको थोड़ा स्लो डाउन करिए, क्योंकि उस समय आप कितना भी रटवाएंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। थॉटलेस, ये प्रक्रिया कैसी होती है थॉटलेस, क्योंकि बच्चे का ना तो इसमें दिमाग लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। बेस, ये किसके लिए बेस है, तो ये आने वाले जो इनके बाद दो लोग हैं उसके लिए बेस है। आप ML पढ़ रहे हैं, मेमोरी लेवल, और ये बेस किसके लिए है, UL के लिए और RL के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेस का कार्य करती है, ठीक। तो एक बार आप जो है बनाइए अपने दिमाग में मॉडल कि आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है मेमोरी लेवल का। अभी तो मेमोरी लेवल में सबसे पहला तो एलिमेंट्स को आपको पता याद होना चाहिए, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, लर्निंग, ठीक, रिप्रोडक्शन, ये इसके क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद लर्निंग में हम कौन कौन सी लर्निंग इस स्टेज में कर सकते हैं, साइन लर्निंग, चेन लर्निंग, SR लर्निंग, क्लियर। मॉडल, अगर आपसे क्वेश्चन आपका ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है तो आप मॉडल को स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंस के केस हो या फिर आपको आंसर अपना और टाइम है आपके पास, तो आप मॉडल करके अपने आंसर को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आपको हर्बर्ट मॉडल ने दिया है, जिसमें चार पॉइंट्स हैं, फोकस जो उद्देश्य है, फिर सिंटेक्स जो संरचना है, फिर सोशल सिस्टम सामाजिक प्रक्रिया जो है, और लास्ट में इवेल्युएशन या सपोर्ट सिस्टम, क्लियर। इसके बाद आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे या आपसे पूछे कि इसके क्या क्या तरीके, किन किन तरीकों से हम इसको प्रभावशाली बना सकते हैं, तो ये वो तरीके हैं कि जो पाठ्यक्रम हो वो सार्थक होना चाहिए, रिपीटेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, फिक्स्ड स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट होना चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आप और भी पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो आइए, पहला वाला हो गया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आपको नेक्स्ट जो बाकी दो हैं वो बताती हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि आपने देख लिया अभी तक जो है, आपने पहला वाला जो आपका लेवल था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो आपका मेमोरी लेवल था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल और जो आपका तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसको हम बोध स्तर कहते हैं, और रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको हम चिंतन स्तर कहते हैं। तो अभी तक जो हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा उसमें बेसिक क्या था, बेसिक सी बात ये थी उसमें कि बच्चे को सिर्फ रटाया जाता है, उसका उद्देश्य ही क्या है, बच्चे को रटाना, उसको अधिक से अधिक चीजों को कंठस्थ कराना, क्रैमिंग कराना, ठीक है। तो जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं, तो जो मॉरिस एल विग्गी, जिसको मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, इन्होंने तीन पक्षों को शिक्षण में, तीन पक्षों को स्पष्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का यूज किया है। क्या किया है, मॉरिस एल विग्गी ने तीन पक्षों को स्पष्ट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का प्रयोग किया है। अब वो तीन क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम उनको देखेंगे। पहले तो सबसे पहला क्या है, सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्ट्स। अब क्या है कि जब आप कई चीज़ों को रट रहे हैं, तो अब आप उस स्टेज से थोड़ा ऊपर आ गए हैं, ये आपका सेकेंड स्टेज है। जो आपका मेमोरी लेवल था, मेमोरी लेवल का के लिए ये क्या था,
उसके लिए बेस का काम करा। तो अब आप किस पे आ गए हैं, अब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ गए हैं, बोध पे आ गए हैं कि अब आपको धीरे धीरे जो फैक्ट्स हैं आप उनको समझना शुरू करते हैं। तो अब पहला क्या कह रहा है कि जब आपको रिलेशनशिप देखना है, वेरियस फैक्ट्स आपके सामने कई तथ्य दिए जा रहे हैं और उन तथ्यों के बीच में जब आपको संबंध पता करना हो कि दोनों कैसे अंतर है, तब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल का यूज़ करते हैं, बोध स्तर का यूज़ करते हैं। दूसरा जो केस है, सीइंग द टू यूज ऑफ फैक्ट्स, अब जो आपको तथ्य दिए जा रहे हैं उसको आप किन किन रूपों में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब उसकी बात कह रहा है। और थर्ड केस में कह रहा है सीइंग बोथ रिलेशनशिप एंड टू यूज़, अब जो आपका किस प्रकार से उसकी संरचना है और उसको संचालित किस प्रकार से करना है, दोनों रूपों में अब आप उसको देखेंगे, उसको यूज़ करना भी और उसके बीच में क्या संबंध है, दोनों चीज़ों को देखेंगे। क्लियर? तो तीन पक्षों को, जो शिक्षण में तीन पक्ष हैं जिसको स्पष्ट करने के लिए मॉरिस एल्विग्गी ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का यूज़ किया, वो क्या क्या है, सीइंग रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, सीइंग द टू यूज ऑफ फैक्ट्स, एंड थर्ड क्या है, सीइंग बोथ रिलेशनशिप एंड टू यूज। क्लियर? अब जैसे हमने पहले वाले में हर्बर्ट का मॉडल पढ़ा, किसमें, मेमोरी लेवल में हर्बर्ट मॉडल पढ़ा, ठीक वैसे ही हम अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल में मॉरिसन का मॉडल पढ़ते हैं, मॉरिसन मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल या फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें भी आपकी वही चीज़ें आती हैं, जो चार पॉइंट्स हैं वो चार पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ उसके अंदर की चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इनको कम से कम मॉडल किसने दिया है वो याद रखिए, और ये जो चार पॉइंट्स हैं, ठीक, फोकस उद्देश्य, सिंटेक्स जो संरचना है, सोशल सिस्टम जो सामाजिक प्रक्रिया है, इवेल्युएशन जो आपका, या फिर सपोर्ट सिस्टम जो आपका है मतलब मूल्यांकन, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब आप अंडरस्टैंडिंग को समझ रहे हैं कि बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, उसके बीच में संबंध स्थापित करें कि जो चीज़ वो पढ़ रहा है और जो समझ रहा है दोनों के बीच में वो जनरलाइजेशन, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं, तो वो क्या करे, फैक्ट्स के बीच में जो है जनरलाइज कर पाए, ठीक, कि उसको जो याद कराया जा रहा है वो, और धीरे धीरे उसकी समझ को विकसित करने की अवस्था में आ रहे हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चे को उन तथ्यों के प्रति धीरे धीरे क्या करना, उसकी थिंकिंग को डेवलप करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। सिंटेक्स में आप यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे पहचान करना, क्योंकि हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो फैक्ट्स हैं बच्चा पहचान करेगा तभी तो अलग कर पाएगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, रिकॉग्नाइज करना, साथ में एसिमिलेट करना उन तथ्यों को अलग अलग जगहों पे किस प्रकार से यूज़ कर रहा है। सोशल सिस्टम में आपका हमेशा टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आएगा। पहले वाले में जो बच्चा था वो एकदम निष्क्रिय था, एकदम पैसिव लिसनर था, बट यहाँ पे अब टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट है वो भी क्या है, थोड़ा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है भाई, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा, जब उसको पहचानने को दिया जाएगा, अब उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होगा, तो वो क्लास में क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की धीरे धीरे कोशिश करता है। क्लियर? तो इसीलिए इसका सोशल सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और फिर जब आप इवेल्युएशन की बात करते हैं, दैट मीन्स टेस्ट की, तो वहाँ हम कैसे कर रहे थे, मौखिक या फिर लिखित रूप में, और यहां हम कैसे करेंगे, तो जब यहां पे हम बच्चे को इवेलुएट करेंगे तो या तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हम उसको एसे टाइप दे दें। अंतर समझ में आ रहा है? या तो ऑब्जेक्टिव टाइप दे दें या तो फिर उसको एसे टाइप देंगे, निबंधात्मक प्रश्न देंगे। तो मैंने इसको डीप में नहीं लिखा है, बट डिफरेंस अगर आप ये समझ रहे हैं तो बहुत ही इजी है। अगर एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप इजीली इसको जो है अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। अगर आपने इसका बेसिक जो मैं बता रही हूँ बस लेक्चर को भी सुना है, तब भी आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए, अब ये तो हमारा हो गया, अब हम आते हैं कि हम इसको कैसे क्या करें, इफ़ेक्टिव बनाएं, या फिर इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या लिख सकते हैं, आपने जितनी चीज़ें पढ़ी आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लिखेंगे, अब वो देखिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होती है, बच्चे के साथ रिलेशन जो है जब वो जोड़ना शुरू करता, रिकॉग्नाइज करना शुरू करता, ये उसकी अवस्था है। यहाँ से बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, अपने मोटिवेशन को और बढ़ाता है, ये सारे जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। बहुत ईजी है ये, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, आप इतना भी पढ़ के जा रहे हैं पेपर में, तो भी आप खुद से वहीं पर बना सकते हैं। अब हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, अब हम उसके ऊपर देखते हैं। तो
इफेक्टिव कैसे बनाएंगे जब बच्चे को हम स्वतंत्रता देंगे, किस चीज़ की, कि बच्चा अगर कोई चीज़ हमने उससे क्वेश्चन पूछा और बच्चा उस चीज़ का आंसर खुद ब खुद बता रहा है, तो हम उसको सुनेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे, तभी बच्चे के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। और बच्चा गलत भी बता रहा है तो उसको डांटना नहीं है आपको, आपको सिंपथी, उसको प्यार से समझाना है। समस्या समाधान, अब बच्चे को ऐसे क्वेश्चंस देना है कि जिससे वो थोड़ा रटने से थोड़ा क्या हो, दूर हो, समझ के साथ अब चीज़ों को करे। उसका एस्पिरेशन लेवल जो है क्या होना चाहिए, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं जो कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, जो आपकी समझ है, उसको और बेहतर करेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, जब आपसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछेगा, अभी मैं डिफरेंस के भी कुछ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जिससे कि आप कभी भी आपने आज तक डिफरेंस पढ़ा होगा तो शायद ही आपने ऐसे मेथड से कभी डिफरेंस पढ़ा होगा। ये आपको बहुत ही मदद करने वाले हैं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो आप सच में आप बहुत वो हो जाएंगे कि इसके बाद कभी भी आपसे डिफरेंस पूछे आप इसी तरीके का यूज़ करिए, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही पढ़ती हूँ, बहुत ही इजी, टू द पॉइंट, और जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, टू द पॉइंट, एकदम जैसा एग्जामिनर या जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है क्योंकि ये उद्देश्यों पर ही चलता है। आप बच्चे के लिए जो उद्देश्य बनाएंगे आप उसी उद्देश्य पर तो उसको पढ़ाएंगे, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है। इनसाइटफुल, यहाँ से बच्चा थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना शुरू कर रहा है, इंटेलिजेंस लगा रहा है वो अपनी, तो ये क्या है, उसकी सूझ पर आधारित है, उसको पता लग रही है कि कौन सी चीज़ गलत बता रहा है, कौन सी चीज़ सही है। मीनिंगफुल, यहाँ से उसका जो अधिगम है, जो लर्निंग हो रही है, अब वो सार्थक हो रही है। ऐसा नहीं कि उसको कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है तो वो उन्हीं चीज़ों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी मेमोरी लेवल होती है, उनको आप गलत भी अगर बोल रहे हैं तो उनको नहीं पता वो सही है कि गलत, वो बस उस चीज को रिपीट करते हैं। बट जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो आपको सही और गलत का पता होता है, तो ये वही लेवल है जहां से मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। और ये किसके लिए बेस बनेगा भाई, तो ये हमारे रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए बेस बनेगा। क्लियर? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है, बिना मेमोरी लेवल, बिना अंडरस्टैंडिंग लेवल के रिफ्लेक्टिव लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये जो है शिक्षण का सर्वोच्च वो है, स्तर है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। इससे ऊपर अब दूसरा तीसरा कोई आप लेवल नहीं पढ़ने वाले। ठीक? तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे हाईएस्ट लेवल अगर बोलेगा तो रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक? तो हमने कैसे पढ़ा था, मेमोरी लेवल जो सबसे नीचे रहेगा, उसके बाद आपका कौन आएगा मेमोरी लेवल के बाद, नेक्स्ट आपका कौन आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे लास्ट में आपका, सबसे हाईएस्ट आप कह सकते हैं कौन है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर? ये सबसे हाईएस्ट है आपका, और सबसे कम लीस्ट कौन है, वो है मेमोरी लेवल। अब आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसको हम चिंतन स्तर कहते हैं। अब बच्चे के अंदर समझ का विकास हो गया है, तो अब धीरे धीरे बच्चा जो है वो क्या करेगा, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेगा, डाइवर्जेंट थिंकर बनेगा। मतलब एक समस्या उसको दी जा रही है तो उसके थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स के ऊपर वो सोचेगा, बट कैसे करेगा, आप खुद सोचिए। अगर हमें किसी बच्चे के अंदर इन एबिलिटीज़ को डेवलप करना है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये भी करना है या रिफ्लेक्टिव भी करना है, अपॉर्चुनिटी जो हम उसको अवसर देंगे, बच्चे को अधिक से अधिक इंगेज करना, बच्चे को बोलने का मौका देना, उसको अपने तथ्यों को, अपने विचारों को रखने का मौका देना, बहुत ही ज़रूरी बात होती है। तो देखिए इसके की पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये समस्या केंद्रित होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, क्योंकि इसमें आपकी चिंतन लग रही है, तो आप चिंतन किस चीज़ पे करेंगे, जो आंसर आपके सामने, अगर मैं मैथ्स का कोई प्रॉब्लम करती हूँ, जैसे मैंने यही लिखा है, मैंने लिख दिया, तो क्या आपने कुछ चिंतन किया, नहीं। अब यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ू ना आपको दूँ कि आप इसको फिल करिए, तब ना आप चिंतन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो समस्या का होना बहुत बड़ी बात है और समस्या होनी चाहिए। तो क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा जब इस चीज़ को देखेगा, उसके सामने कोई समस्या तो सोचेगा, जहाँ तक वो प्रोबेबल पहुँच सकता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे क्या होगा, अपने डेवलप करेगा, और वो क्रिटिकल थिंकिंग उसके ओरिजिनल थॉट्स के थ्रू आएगी, जो उसका मौलिक जो उसके विचार हैं उनसे वो बनाएगा, उसको और बेहतर बेहतर करेगा। लेकिन कब होगा ये, जब वो अपने अंदर रखेगा तब, नहीं, जब उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा तब। लॉजिक का है, रिसर्च करेगा, सेल्फ इंटरेस्ट के फील्ड में आगे बढ़ेगा। एलिमेंट्स की बात करें, जैसा हमने मेमोरी लेवल में कुछ एलिमेंट्स को देखे थे, जैसे कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन, रिप्रोडक्शन, वैसे ही इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं, थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंसाइट, सूझ, ये इसके क्या है, आपके एलिमेंट्स हैं, किसके, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। अब देखिए
हम कैसे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसको आप खुद से ही कर सकते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं। आप खुद से सोचिए कि सबसे पहले अगर प्रॉब्लम है किसी के सामने, किसी भी बच्चे को अगर हम प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो प्रॉब्लम को तभी टैकल कर पाएगा जब वो उस प्रॉब्लम को महसूस करेगा। टू फील द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्लियर। दूसरी चीज़ क्या है कि बच्चे का जो मोटिवेशन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन, जब बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, वो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जब रहेगा बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड रहेगा तो वो क्या करेगा, चीज़ों को एक्टिवली करेगा और जल्दी जल्दी करेगा, ठीक। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, एस्पिरेशन लेवल बच्चे का अच्छा होना चाहिए, बच्चे को हमको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अधिक से अधिक क्या कर सके, अपने क्रिटिकल थिंकिंग को और डेवलप कर सके। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी लिख सकते हैं और इफेक्टिव बनाने के लिए भी लिख सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और जो रिफ्लेक्टिव है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं डिफरेंस में। डिफरेंस बहुत बार पूछा है, अगर आपने इन तीनों को अच्छे से समझ लिया है एक बार, अब बैठ करके अगर नोट्स बना रहे तो ठीक है, नहीं भी बना रहे हैं तो अगर आपने समझा है तो आप डिफरेंस कुछ तो अपने आप से ऐसे ही बता लेंगे कि भाई अंडरस्टैंडिंग में, मेमोरी में और रिफ्लेक्टिव में हो क्या रहा है। तो एक में क्रैमिंग हो रही है, एक में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, एक में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जा रही है, क्लियर। तो अब देखिए, अब मैं आपको वो तरीका बताती हूँ जिससे कि आप कोई भी डिफरेंस आपको करना हो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो ये तीनों हमने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। आपको ऐसे कभी भी, देखिए तरीका क्या है कि आपको कभी भी ऐसे याद मत किया करिए कि ये थॉटलेस है, तो यहाँ पे फिर एक और याद किया, यहाँ पे फिर एक और याद किया। ये एक तरीका, एक तो लेंदी भी होता है और एग्ज़ाम में जल्दी भूलता भी है, ठीक। लॉन्ग लास्टिंग याद करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स बनाया करिए जो डिफ्रेंशिएट करने के पॉइंट्स होते हैं, जो उसके की पॉइंट्स होते हैं उनको। जैसे थॉटलेस, जब भी थॉटलेस आप सुने, ये विचारहीन, तो मेमोरी लेवल विचारहीन होगा तो क्या अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव भी होगा? नहीं, ये थॉटफुल होगा, ये भी थॉटफुल होगा, क्लियर। थॉटलेस आप लिख लेंगे तो ये आपको पता ही है कि भाई उसका उल्टा ही तो होगा या फिर उससे आगे ही तो बढ़ेंगे। मॉडल की बात करें तो आप नहीं बता पाएंगे, ये मॉरिसन का, ये आपका हर्बर्ट का मॉडल है, ये मॉरिसन का मॉडल है और ये हंट का मॉडल है। हंट मॉडल, चूंकि आंसर आपका ऑलरेडी काफ़ी लेंदी है इसलिए मैंने हंट मॉडल नहीं बताया, बट उसमें भी यही सेम चीज़ था, आपका जो फोकस है, सिंटेक्स है, वही सेम चीज़ था, ठीक। तो हंट एक आप अलग से लिख लीजिए, तो हर्बर्ट, मॉरिसन एंड हंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? सिर्फ रटाया जाएगा बच्चे को, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव याद रखिए, उद्देश्य क्या है? रटाना। यहाँ पे तथ्यों के बीच में संबंध या ये भी आपने याद करा तो आपका काम हो जाएगा। और यहाँ क्या है? थिंकिंग को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को। मोटिवेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी बच्चे के अंदर, यहाँ पे थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल इंट्रिंसिक मोटिवेशन रहेगा उसके अंदर कि मेरे को करना है वो चीज़, ठीक। क्रैमिंग, ये स्टेज क्या है भाई? क्रैमिंग की स्टेज है, ये स्टेज क्या है? थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की स्टेज है, ये आपकी उसके और हाईएस्ट लेवल की स्टेज है। इंटेलिजेंस की यहाँ कोई जगह नहीं होती, यहाँ थोड़ा बहुत लगता है, यहाँ पे इंटेलिजेंस की जगह होती है और क्रिएटिविटी भी होती है, ठीक। जितनी भी उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं सब कहाँ दिखाएगा? वो रिफ्लेक्टिव लेवल में दिखाएगा। लर्निंग, लर्निंग जो है आपका बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे? सीखता है कुछ भी? हाँ सीखता है, लेकिन वो कैसे सीखता है? सिर्फ रोट मेमोराइजेशन के थ्रू सीखता है, यहाँ पे वो रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स को देख कर सीखता है। वहाँ पे फोकस किस पे रहता है? अब देखिए, जो मैंने आपको चार पॉइंट्स आपके उसमें बताए हुए हैं, किसमें? जो आपके मॉडल्स हैं, अगर आप डिफरेंस में भूल जाते हैं इनकेस एग्ज़ाम में जाने के बाद कि भाई किस पे लिखें किस पे नहीं लिखें, तो मोस्ट इजी मैं आपको बता रही हूँ, ये आप तभी यूज़ करेगा जब आपका पेपर में क्वेश्चन फंसेगा। जो ये चार आपको मैंने मॉडल दिए हैं ना, जो ये तीन मॉडल के चार पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को एक एक हेडिंग के रूप में आप लिखिए। जैसे फोकस, फोकस जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है तो आपको पता है मेमोरी लेवल पे आपको रटवाने पे जोर दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि रटवाने से थोड़ा आगे तथ्यों के बीच में संबंध से दिया जाएगा और यहाँ पे बच्चे को खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा। सिंटेक्स, फोकस किस मतलब उसकी जो है संरचना क्या है, तो यहाँ प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे क्या है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा, प्रेजेंटेशन टीचर का प्रॉपर होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव में जाएंगे तो और उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अलग अलग पाथवेज दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें। सोशल सिस्टम, सब में टीचर और स्टूडेंट ही तो है, उसके अलावा कोई है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई? बच्चा निष्क्रिय है, यहाँ बच्चा थोड़ा सक्रिय होगा, यहाँ पे बहुत सक्रिय होगा। क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो सबसे सक्रिय होगा, क्लियर। इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो देखिए, टेस्ट जो मैंने लिखा है वही इवैल्यूएशन है, या फिर टेस्ट बोल दीजिए। तो कैसे है, तो यहाँ पे आप क्या लिखे, या फिर आप ले रहे हैं लिखित या फिर मौखिक,
यहाँ पे, यहाँ आप ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं उसके साथ निबंधात्मक, मतलब एसे टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ निबंधात्मक। क्यों? क्योंकि बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैसे पता लगेगी? आपने उसको दे दिया कि इस पर कविता लिखो या इस पर कहानी लिखो, इस पर ये लिखो, तो बच्चे के मौलिक विचारों का प्रयोग करके वो उस चीज़ को करेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से जो आपका डिफरेंस है, बस आपको ये पॉइंट्स आप याद करिए, ये पॉइंट्स अच्छा इंटेलिजेंस है। तो पहले तो चार आप ऐसे ही याद कर लेंगे, चार पॉइंट तो आपका यहीं पे हो गया। उसके बाद एक दो पॉइंट तो आप ऐसे कर लेंगे। एक आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। कौन सा है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, आपको याद है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है, और रिफ्लेक्टिव आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड है, और पहला क्या है? क्रैमिंग जो है सेंटर्ड है, आप कह सकते हैं रोड सेंटर्ड है। क्लियर? तो इस प्रकार से आप डिफरेंस खुद से बनाइए, खुद से जो तथ्य आपने पढ़े हैं समझे हैं उनके आधार पे बनाइए। ठीक? तो जितने भी लर्नर्स ने देखा, ये आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग का कंप्लीट वीडियो था। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बता दीजिए, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर जो है विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बीएड से या फिर और जितने भी आपके इस प्रकार के बीएड हो गया, सीटेट हो गया, इस प्रकार के अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमसे, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।